में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुषी। चलिए शुरुआत करते हैं आज की बुलेटिन की और नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज टीकाकरण अभियान का किया शुभारंभ, कहा आज के दिन का पूरे देश को लाभ सभी से। राजस्थान में निकाय चुनावों को लेकर भाजपा कांग्रेस के बागियों ने बढ़ाई मुसीबत, दोनों पार्टियां कर रही है बढ़ाने का प्रयास। राजस्थान की सभी तहसीलों के राजस्व रिकॉर्ड होंगे ऑनलाइन, अगस्त तक पूरा होगा काम। राजधानी जयपुर में रफ्तार का कहर, एमजीएफ मॉल के पास मिनी बस पलटी, आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल, दो की हालत। अमेरिका में जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वॉशिंगटन छोड़कर चले जाएंगे, सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई है। जानकारी के अनुसार जो बाइडेन अगले सप्ताह बुधवार को राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करेंगे। इसी दिन सुबह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वॉशिंगटन डीसी को छोड़कर फ्लोरिडा चले जाएंगे। ट्रंप फ्लोरिडा में रहकर नई शुरुआत करेंगे। ट्रंप प्रशासन से जुड़ी सूत्रों का कहना है कि उनका विदाई समारोह जॉइंट बेस एंड्रयूज में आयोजित किया जाएगा, यहीं से ट्रंप फ्लोरिडा के लिए रवाना होंगे। भारत में आज कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का आगाज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर में 3000 केंद्रों पर टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अभियान के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कोविन ऐप को भी लॉन्च किया है। भारत में पहले 3 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वायरस के टीके की खुराक मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि आज के दिन का पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है। कितने महीनों से देश के हर घर में बच्चे, बूढ़े, जवान सबकी जुबान पर यही एक सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। आज वो वैज्ञानिक, वैक्सीन रिसर्च से जुड़े अनेकों लोग विशेष प्रशंसा के हकदार। टीका के बाद भी 2 गज की दूरी, मास्क और अन्य नियमों का पालन करते रहें। उन्होंने कहा कि टीका लगाने के बाद भी सावधानी रखें। केंद्रीय मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर जाएंगे। इस दौरान बेलगावी जिले में एक राजनीतिक रैली को भी संबोधित करेंगे, साथ ही कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। अपने 2 दिवसीय दौरे पर अमित शाह कर्नाटक के शिमोगा जिले में रैपिड एक्शन फोर्स की एक नई बटालियन परिसर की आधारशिला रखेंगे। इस दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा भी उनके साथ रहेंगे। शिरोमणि अकाली दल नेता हरसिमरत कौर बादल ने नए कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। कृषि कानूनों पर किसानों का समर्थन करने वाले कांग्रेस पर उन्होंने दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। हरसिमरत ने राहुल पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनकी दीदी इंदिरा गांधी भी पंजाबियों को खालिस्तानी कहती थी, इसलिए घड़ियाली आंसू ना बहाएं। व्हाट्सएप प्राइवेसी को लेकर हुए बवाल के बाद अब व्हाट्सएप बैकफुट पर आ गया है। व्हाट्सएप ने घोषणा की है कि उसने अपने नियोजित गोपनीयता अपडेट को स्थगित कर दिया है। कंपनी ने कहा कि लोगों के बीच गलत सूचना पहुंचने के कारण गोपनीयता अपडेट को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले नई पॉलिसी को लेकर फेसबुक के स्वामित्व वाला व्हाट्सएप अपनी सफाई दे चुका है। व्हाट्सएप ने नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर कहा है कि इससे दोस्तों और परिवारों के लोगों के साथ होने वाली निजी चैटिंग प्रभावित नहीं होगी। व्हाट्सएप ने कहा था कि नई पॉलिसी सिर्फ बिजनेस अकाउंट के लिए है। प्रदेश के 20 जिलों के 90 निकायों में चुनाव होने हैं। नामांकन की आखिरी दिन टिकट नहीं मिलने से नाराज भाजपा कांग्रेस के बागी प्रत्याशियों ने चुनाव मैदान में उतर दोनों दलों की टेंशन बढ़ा दी है। नामांकन की आखिरी तारीख बीतने के बाद अब दोनों ही दलों के स्थानीय नेताओं ने बागियों को मनाने की कवायद तेज कर दी है। भाजपा कांग्रेस के विधायक और संगठन के स्थानीय नेता लगातार अपने अपने बागियों के मनोहार में जुटे हैं। दोनों दलों के अधिकृत प्रत्याशी भी अपने अपने स्तर पर बागियों को मनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हालांकि बगावती देवर अपना चुके कार्यकर्ता मनोहार नहीं मान रहे हैं। राजस्थान के सभी तहसीलों के राजस्व रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया अगस्त महीने तक पूरी हो जाएगी। राज्य में डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत राज्य की 263 तहसीलों को ऑनलाइन करने का कार्य पूरा हो गया। राज्य में डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत राज्य की 263 तहसीलों को ऑनलाइन करने का कार्य पूरा हो गया। राज्य की कुल 339 तहसीलों में से शेष बची 76 तहसीलों को भी ऑनलाइन करने का काम शीघ्र पूरा होगा। मुख्य सचिव ने सचिवालय में आयोजित राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों का कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। राजधानी जयपुर में रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है। तेज रफ्तार से आ रही एक मिनी बस एमजीएफ मॉल के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। बस पलटने से 5 यात्री घायल हो गए। 2 यात्रियों की हालत गंभीर होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर अशोकनगर थाना पुलिस और दुर्घटना थाना दक्षिण मौके पर पहुंच गई। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती परीक्षा का परिणाम जल्द जारी हो सकता है। परिणाम जारी करने की अप्रूवल से जुड़ी चिकित्सा मंत्री को फाइल भेजी गई है। ऐसे में संभवत 1-2 दिन में फाइल को अप्रूवल मिल सकती है। अप्रूवल मिलने के बाद परिणाम जारी कर दिया जाएगा।
भारतीय क्रिकेटर कुणाल और हार्दिक पांड्या के पिता का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। इस दुखद खबर के बाद बड़ौदा की तरफ से सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी खेल रहे कप्तान कुणाल पांड्या बायो बबल छोड़कर घर के लिए रवाना हो गए। बड़ौदा क्रिकेट संघ के CEO शिशिर हंतगड़ी ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि कुणाल ने बायो बबल छोड़ दिया है। यह एक व्यक्तिगत त्रासदी है और बड़ौदा क्रिकेट संघ हार्दिक और कुणाल के इस दुख में साथ खड़ा है। सांबर लेक उपखंड में कोरोना वैक्सीन लगाने का प्रथम चरण आज से शुरू होगा, जिसमें कुल 1048 हेल्थ वर्कर को वैक्सीन दी जाएगी। BCMHAO डॉक्टर राज चौधरी ने बताया कि सांबर लेक उपखंड की 4 CHC एवं 6 PHC में अलग अलग तारीख को वैक्सीन लगाई जाएगी, जिनमें आज से 19 जनवरी तक सांबर लेक के 146 हेल्थ वर्कर, 17, 18, 19 जनवरी को CHC फुलेरा में 293 को वैक्सीन लगाई जाएगी, 18 व 19 को रेनवाल CHC में 149 व जोबले CHC में 152 हेल्थ वर्कर को वैक्सीन लगाई जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं, COVID-19 जो एक वैश्विक महामारी है, उसके लिए अभी हाल ही में 2 वैक्सीन को अप्रूव किया गया है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। प्रथम चरण के अंदर सरकार के निर्देशानुसार सभी हेल्थ केयर वर्कर्स को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए हमने सभी हेल्थ केयर वर्कर्स जैसे चिकित्सक, नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ्स, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, कार्यालय, जितने भी स्टाफ हैं, सबके डेटा लेके हमने कोविन सॉफ्टवेयर में उनको अपलोड कर दिया गया है। जैसे ही हमको राज्य सरकार से वैक्सीन मिलेगी, लगाने का कार्य शुरू कर देंगे। इसके लिए हमने 13 तारीख को पहले एक ड्राई रन के रूप में सफल आयोजन कर चुके हैं। सरकार से जैसे ही हमको वैक्सीन मिलेगी, हम सभी हेल्थ केयर वर्कर्स को ये वैक्सीन लगाना सुनिश्चित करेंगे। दिल्ली NCR में आज कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा छाया रहा। ठंड के साथ हो रहे कोहरे ने लोगों की परेशानियां और बढ़ा दी हैं। दिल्ली NCR में इतना कोहरा है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, विजिबिलिटी काफ़ी कम है, सड़क पर वाहन रेंग रहे हैं। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में अभी ठिठुरन वाली ठंड से निजात नहीं मिलने वाली है। प्रदेश में भी कई जिलों में कोहरा छाया रहा, वहीं सर्दी का प्रकोप जारी है। आज के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे चैनल दी एंगल के साथ। साथ ही में इस वीडियो पर लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।